बहुत बहुत स्वागत। आप देखना शुरू कर चुके हैं एमपी अब तक। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। पूर्व मंत्री इमरती देवी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ग्वालियर के डबरा थाने में इमरती देवी ने शिकायत दर्ज करवाई है। जीतू पटवारी के खिलाफ FIR हुई है। SC ST एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। इमरती देवी ने FIR दर्ज करवाई है। हमारा अभी हाल ही में उनके द्वारा एक वीडियो प्रस्तुत किया गया है इमरती देवी जी के द्वारा, जिसमें कुछ उनके व्यक्तिगत कुछ शब्द कहे गए हैं, जिस पर से जीतू पटवारी जी के खिलाफ में एक 509 SC ST की धाराओं में मामला पंजीबद्ध करके डबरा थाने में पुलिस थाना मिली है। अभी मामला पंजीबद्ध किया गया है और उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती है उसको आगे प्रोसेस किया जाए। और वहीं जीतू पटवारी के विवादित बयान को लेकर भोपाल में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग से भी शिकायत की है। जीतू पटवारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग इस प्रतिनिधिमंडल ने की है। जीतू पटवारी जी के खिलाफ मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शिकायत करने आए हैं कि आए दिन जो कांग्रेस के नेता और वो खुद एक प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष एक महिला है सोनिया गांधी, उनके राष्ट्रीय महासचिव है प्रियंका गांधी, उसके बावजूद भी वो महिलाओं के लिए इस प्रकार की जो टिप्पणी कर रहे हैं, उनको किसने अधिकार दिया इस प्रकार की टिप्पणी करने का। वहीं कांग्रेस ने जीतू पटवारी के विवादित बयान को लेकर सफाई दी है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि जीतू पटवारी के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। जीतू पटवारी जी ने जो बात कही है वो एक जनरल बात की थी, कोई इमरती देवी के लिए नहीं थी। वो इमरती जो एक वो होती जलेबी नुमा उसके बारे में बात कही थी, और वो कुल मिला के ये था कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक टेंपर था 14-19 वो सब ख़त्म हो चुका है। जीतू पटवारी के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया ये कहना है। इधर बीजेपी लगातार हमलावर है जीतू पटवारी के इस बयान को लेकर। एक प्रतिनिधिमंडल गया जिसने निर्वाचन आयोग से इस बात की शिकायत की है, और खुद जो इमरती देवी हैं पूर्व मंत्री हैं वो थाने पहुंची और FIR उन्होंने दर्ज करवाई है SC ST एक्ट में। इमरती देवी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का यह मामला है। और सीधा आपको लिए चलेंगे ग्वालियर से। सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, पहले आपके पास, आखिरकार हो गई FIR? सुशील। बिल्कुल सही बात। देखिए, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने जिस तरह से इमरती देवी पूर्व मंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी उसमें सियासी भूचाल तो मचा ही था। कल रात से ही पूरे मध्य प्रदेश में इस मामले को हमने भी प्रमुखता से उठाया था, और उसके बाद आज जैसा कि इमरती देवी ने कहा था कि FIR दर्ज कराएंगी तो उन्होंने FIR दर्ज करा ली SC ST एक्ट के तहत और धारा 509 के तहत। जीतू पटवारी पर FIR दर्ज कर पुलिस अब अगली कार्रवाई में जुट गई है। बिल्कुल। शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र के पास हम आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, सियासी तौर पर बड़ा जो माइलेज है बीजेपी इसे लेने की कोशिश करेगी, इसका नुकसान, मेरा ख्याल है आइटम शब्द जो था उसका नुकसान भी कांग्रेस को झेलना पड़ा था। शैलेंद्र। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जो आइटम शब्द 2020 के इलेक्शन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो इमरती देवी को लेकर किया था उसमें पूरे प्रदेश भर में जो बीजेपी ने एक माहौल अच्छा खासा तैयार किया था और ये साफ किया था कि देखिए किस तरीके से महिला विरोधी के तौर पर कांग्रेस को पेश करने में सफल रही थी। और देखिए अभी इस बयान को भी जिस तरीके से हम देखें कि कल बयान भले ही ग्वालियर में दिया हो लेकिन भोपाल से लेकर इंदौर और खंडवा से लेकर रतलाम एक भी ऐसा शहर नहीं था जहाँ पर विरोध प्रदर्शन न किए गए हो। इंदौर में तो जीतू पटवारी के घर पर महिला मोर्चे की जो नेत्रियां हैं वो चूड़ियां लेकर पहुंची और काफी मशक्कत पुलिस को इनके बीच करनी पड़ी। देखिए इसके साथ ही मध्य प्रदेश की जो महिला मोर्चे की जो पदाधिकारी है वो निर्वाचन आयोग भी पहुंची थी, निर्वाचन आयोग में भी उन्होंने शिकायत की है। और तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा की बात हो या फिर खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, लगातार इस तरह के बयान को गलत करार दे रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि महिला विरोधी चेहरा जो है वो कांग्रेस का अब सामने आ चुका है। जी बिल्कुल। और सुशील भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, बहुत सारे ऑडियो इस बीच वायरल हुए, डगमगाती हुई सियासी आस्थाओं से जुड़े हुए,
और इन सब के बीच अचानक से ये पूरा घटनाक्रम हो गया चुनाव पर, खासतौर पर उस अंचल में कितना बड़ा इफेक्ट? बिल्कुल सही बात। देखिए, चुनाव पर कहीं ना कहीं असर तो पड़ेगा, जैसा कि शैलेंद्र जी ने भी बताया है कि 2020 में जब आइटम शब्द कहा था कमलनाथ ने, जो उस समय पीसीसी चीफ थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके इस बयान के बाद जो बवाल मचा था उससे कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ था। और इस बार भी जिस तरह से बयानबाजी जीतू पटवारी ने ग्वालियर चंबल अंचल में की है, आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल अंचल की जो तीन सीटें हैं, ग्वालियर, भिंड और मुरैना, इन तीन सीटों पर कांग्रेस कड़ी टक्कर दे रही है। लेकिन जीतू पटवारी के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़े नुकसान की आशंका देखी जा रही है, क्योंकि निश्चित तौर पर जो बयान जीतू पटवारी ने दिया है, पीसीसी चीफ है, उस बयान के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो काउंटर किया है, जो पूरे इलाके में कांग्रेस की घेराबंदी की गई है, तो उससे कहीं ना कहीं चुनाव पर जरूर थोड़ा असर पड़ेगा। तो कांग्रेस के लिए जो है थोड़ी परेशानी जरूर इस बयान के बाद बचेगी। और ये भी माना जा रहा है कि मतदान तक ये जो बयान है, ये जो बवाल है, ये थमने का नाम नहीं लेगा जाहिर तौर पर, और ना इसे थमने दिया जाएगा। अभी इसे महिलाओं से जोड़ दिया गया है, धीरे से इसे मतदान और जो कैंपेनिंग है उससे भी जोड़ दिया जाएगा। मैं बार बार कहता हूं कि बीजेपी इस तरह की बॉल को बेहतरीन स्ट्राइक रेट से खेलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम अपडेट्स के लिए। और खबर खंडवा से, जहां लोकसभा चुनाव के दौरान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, पुलिस ने भारी मात्रा में यहां से हथियार जब्त किए हैं, 15 राइफल, 5 पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं, 8 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। पूर्व बंदूक कारोबारी अजहर बख्श ये हथियार बेच रहा था, लाइसेंस रद्द होने के बाद भी हथियार बेच रहा था। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लोकसभा चुनाव के दौरान सभी तरह के लाइसेंसी हथियार पुलिस द्वारा जमा करा लिए गए थे। उसके बाद ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में हथियारों के साथ कुछ लोग देखे जा रहे हैं। इस पर पुलिस की एक विशेष टीम बना के मुखबिर तंत्र को डेवलप किया गया और इस पूरी कड़ी में अभी तक 8 व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 12 बोर की बंदूकें, 3.22 एयर राइफल्स और साथ ही 5 अवैध पिस्टलें बरामद की और 150 के करीब। बात इंदौर की करेंगे, यहां पुलिस ने एक कार से 7 लाख रुपए का कैश बरामद किया है। वाहन चेकिंग चल रही थी और उसी दौरान पुलिस ने ये भारी भरकम कैश बरामद किया है। आदर्श आचार संहिता के दौरान 50,000 से ज्यादा अगर आपको कैश लेकर जाना है तो कहां से ला रहे हैं, कहां को ले जा रहे हैं, इसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए, मय दस्तावेज यानी विथ डॉक्यूमेंट्स। संहिता में लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही है, जिसमें हमारे खासतौर पे अंतर जिला नाका हैं या SST पॉइंट हैं, FST पॉइंट हैं, इनके द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है। उसी में आज थाना खुड़ेल का जो हमारा SST पॉइंट है डबल चौकी, जो कि देवास जिले की सीमा के पास लगा हुआ था, उस टीम के द्वारा एक सफ़ेद रंग की वैगनार कार को चेक किया गया और उसमें महेश पिता भागीरथ बाबनिया, निवासी मिर्जापुर जिला देवास के, उनके पास से 7,11,000 रुपये कैश मिला, जिसका वो कोई हिसाब नहीं दे पाए कि वो कहाँ से इतना पैसा आया और वो देवास जिले से इंदौर लेके आ रहे थे उस पैसे को। और जो कार है MP09 ZC 9134, इसमें ये लेके जा रहे थे। SST टीम के द्वारा विधिवत रूप से उस पैसे की जब्ती की गई है। खबर भोपाल से, शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है, आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया है, अधिकारी को धमकाने का भी आरोप लगाया गया है। बीजेपी विधायक सुरेंद्र पटवा के खिलाफ भी शिकायत की गई है। रायसेन में दरअसल शिवराज के मंच पर माइक बंद करने को लेकर हंगामा हुआ था, तब जो पटवा है, पूर्व मंत्री और विधायक सुरेंद्र पटवा, उन्होंने कहा कि इतने दूर फेंकवाऊंगा, अधिकारी को उन्होंने धमकी दी थी। इश्यू से हमने आज माननीय निर्वाचन आयोग को शिकायत की है कि 2 मई को मंडदीप के अंदर विदिशा से लोकसभा प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान जी ने 10 बजे के बाद आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए सभा को संबोधित किया। और इतना ही नहीं, जब वहां के पुलिस अधिकारी महेंद्र सिंह ठाकुर ने इस बात के लिए उन्होंने जताया और माइक बंद करने का प्रयास किया,
तो उन्होंने उसको डांटा डपटा और भाजपा के विधायक सुरेंद्र पटवारी ने तो मामले की गालियां दी और कहा कि ऐसे ही फेंकवाऊंगा कि पता नहीं चलेगा। ये साफ तौर पर आचार संहिता के साथ है, अधिकार धमकी का काम है। हमने इसको लेकर चुनाव आयोग को शिकायत की है, हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई करेगा, आचार संहिता करके कार्रवाई करेगा। इधर मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव का तूफानी चुनाव प्रचार जारी है। इसी क्रम में सीएम मुरैना पहुंचे, बीजेपी उम्मीदवार शिव मंगल सिंह तोमर के समर्थन में रोड शो किया और लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील की। जिस ढंग से महिलाओं बहनों के लिए बात करते हैं, ये उनके लिए डूब मरने के बराबर है। और अब कहाँ गई प्रियंका जी जो कह रही कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लड़े वो अपने वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष से, जो इमरती देवी जी का कितना गंदा भाषा बोल करके, मुझे तो बोलने में शर्म आती है। ये महिलाओं का अपमान, ये कांग्रेस का चरित्र है। इनके बड़े नेता भी कमलनाथ जी महिलाओं को आइटम बताते थे। दिग्विजय सिंह जी की भाषा में टंच महल था। ये कांग्रेस के नेताओं की भाषा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। उम्मीद करता हूँ कि तुरंत उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और कांग्रेस को ऐसी कड़ी कार्रवाई करना चाहिए जो दिखे कि हाँ, ये माता बहनों का इज्जत करना जानते हैं। लेकिन ये नहीं करेंगे, इनकी जो चरित्र है वो उसी तरह रहेंगे। मैं तो घोर निंदा करता हूँ उनके इस बयान की भी और उनके व्यवहार। सीधी जिले के बहरी स्वास्थ्य केंद्र में एक महिला स्वास्थ्य कर्मी के रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। रिश्वत लेने का वीडियो वायरल होने के बाद मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आई जे गुप्ता ने संज्ञान लिया और बहरी स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। सीएमएचओ ने कहा है कि जांच के बाद दोषी स्वास्थ्य कर्मी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कि बाहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरी के दौरान जो है कोई कर्मचारी पैसे की मांग कर रहा है, इसको मैं बाहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी अधिकारी और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को भी इस वीडियो को वहाँ भेजा हूँ और बोला हूँ कि इसमें जो है, और लिखित में भी मैं मना के भेजूँगा कि इसकी मतलब जांच करा करके हमको विधिवत जानकारी दीजिए, तो उसके बाद फिर मैं आगे की कार्रवाई करूँगा। इधर दमोह में भी रिश्वतखोरी पर कार्रवाई की गई है। लोकायुक्त की टीम ने दबिश दी और रिश्वत लेते हुए उपार्जन केंद्र प्रभारी को गिरफ्तार किया। ये 3,500 रुपए की घूस ले रहा था। हरि सिंह ठाकुर उसका नाम है, पटेरा गेहूं उपार्जन केंद्र का प्रभारी हरि सिंह ठाकुर रंगे हाथों पकड़ा गया। किसान प्रकाश पटेल की शिकायत पर सागर लोकायुक्त की टीम ने ये एक्शन लिया। ठीक है, हम यहाँ गेहूं तुलाने आते हैं और हम तुलाने आए थे, हमने दो ट्राली जो गेहूँ तोला था उसका इनने फोन पे भी लिया था पैसा। फिर मैं एक ट्राली और लेके आया तो मैंने कहा गेहूँ तो लिए, तो बोले पैसा लगेगा, इनने पैसे की मांग की। तो दो ट्राली गेहूँ इनने 3,500 रुपए की मांग की, क्योंकि मैं पैसा देना नहीं चाह रहा था। धार में भोजशाला का एएसआई सर्वे लगातार जारी हुआ। 43वें दिन का सर्वे पूरा हो चुका और इसके बाद एएसआई की टीम भोजशाला से बाहर निकल गई। शुक्रवार होने की वजह से मुस्लिम समाज के लोगों ने यहां नमाज पढ़ी। इसके बाद सर्वे पर आपत्ति जताते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। हिंदू पक्षकार गोपाल शर्मा ने बताया कि गर्भगृह और पीछे की तरफ मिट्टी हटाने का काम किया गया है। दक्षिण दिशा में पत्थरों की दीवार बनाने का काम किया गया।